मोदी 3.0 के बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर किसी विदेश यात्रा पर हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए हुए हैं। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन मॉस्को में रहने वाले भारतीयों से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान उनको संबोधित किया। भारतीय कम्युनिटी को संबोधित करते हुए पीएम ने ग्रेट शोमैन राजकुमार की फिल्म श्री 420 के मशहूर गाने सिर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का जिक्र कर दोनों देशों के रिश्तों के गाढ़ेपन को काफी हद तक समझाया हुआ है। बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मॉस्को गए हुए हैं। यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी रूस दौरे पर हैं। पीएम मोदी के इस रूस दौरे पर अमेरिका चीन समेत पूरी दुनिया की नज़र है। चीन इसके लिए भारत के तारीफों की पुल भी बांध चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार पीएम मोदी मॉस्को गए हैं। संकट के समय पीएम मोदी का रूस दौरा पुतिन को संभल देगा। पीएम मोदी सोमवार को मॉस्को पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी के रूस दौरे का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी आज द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी मंगलवार को जब मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले तो उन्हें सालों पुराना बॉलीवुड का गाना याद आ गया, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस दौरान पीएम ने भारत और रूस के रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा, रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितनी ही क्यों ना माइनस चली जाए, भारत और रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में ही रहेगी, गर्मजोशी बनी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रेस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। एक गाना तो यहाँ के घर घर में गाया जाता है, सर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत भले ही पुराना हो गया हो मगर सेंटिमेंट एवर ग्रीन है। पुराने समय में राजकुमार और मिथुन दास जैसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत और रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा है कि बीते 10 साल में भारत ने जो विकास किया वो केवल ट्रेलर है। आने वाले साल में भारत दुनिया के विकसित या विकास का अध्याय लिखेगा। आज ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रहा है। आने वाले समय में इसका और विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चीज़ को चैलेंज करने में भारत आगे रहा है और रहेगा भी। मेरे तो DNA में ही चैलेंज को चैलेंज देना है। आज 140 करोड़ भारतीय हर क्षेत्र में सबसे आगे निकलने की तैयारी में जुट रहे हैं। आपने भी देखा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को केवल कोविड संकट से ही बाहर नहीं निकाल लाए, बल्कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की मजबूत इकोनॉमिक में से एक बना दिया है। इसके आगे पीएम ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो लेकिन सेंटिमेंट्स एवर ग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया। और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। बता दें कि रूस और भारत की दोस्ती किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी का बॉलीवुड के इस गाने का जिक्र और रूस के लिए दिए गए इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए अमर उजाला को फॉलो कर लें। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।